नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज उत्तराखंड पूछेगा एक अहम सवाल। वो सवाल राजनीतिक दलों से है, वो सवाल बीजेपी से भी है, वो सवाल कांग्रेस से भी है। वो सवाल इस बात का लेकर है कि आखिरकार तुष्टीकरण की राजनीति कौन और क्यों कर रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति, उत्तराखंड की लड़ाई अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आई। ये बवाल किसने खड़ा किया, क्यों खड़ा किया और इसके पीछे का मकसद क्या है? आखिरकार क्यों जिन मुद्दों पर उत्तराखंड का चुनाव होना चाहिए उन मुद्दों से कोसों दूर एक विवाद पैदा होता है या फिर पैदा करने की कोशिश की जाती है, और वो विवाद है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और धार्मिक तुष्टीकरण को लेकर इस वक्त उत्तराखंड की सियासत में चुनाव की मुद्दे की नींव डाली जा रही है। कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश करार दे रही है। कांग्रेस के एक नेता का बयान बवाल खड़ा कर गया। बयान पर जमकर राजनीति हो रही है और कांग्रेस का वो नारा आपको याद होगा, उत्तराखंड में चार धाम चार काम, जिस नारे को बुलंद करने की कोशिश उत्तराखंड कांग्रेस ने की। अब ये नया मुद्दा चुनाव में कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बन गया। हरदा यानी हरीश रावत कह रहे हैं बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कि ये जानबूझकर साजिश की जा रही है, एजेंडा तय किया जा रहा है चुनाव का, तुष्टीकरण कर। अब इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच में नमाज की छुट्टी का एक सरकारी आदेश वायरल हुआ हरीश रावत के शासनकाल का, जिसको लेकर अब बीजेपी और ज्यादा आक्रामक हो गई। बीजेपी कह रही है देखिए सबूत। हरीश रावत की सोच ये है, देवभूमि में अब सवाल यह कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है और क्या मुद्दों से भटकाने के लिए यह तुष्टीकरण का दाव खेला गया मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर। अब दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड बीजेपी इस मुद्दे को किस तरह से हाथों हाथ ले रही है। कुछ ट्वीट्स जिसका जिक्र बहुत जरूरी है, बकायदा बीजेपी के नेता बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ऐसे ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अभी मैं अपने मेहमानों की तरफ रुख करूंगा, लेकिन जिन ट्वीट्स का मैं जिक्र कर रहा हूं उन ट्वीट्स में से एक ट्वीट पढ़ के बता रहा हूं आपको। मिलिए उत्तराखंड में कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जिसमें बकायदा हरीश रावत की फोटो है। हरीश रावत की फोटो एक मौलाना के रूप में बनाए गए हरीश रावत, और बकायदा बीजेपी ने उसे ट्वीट किया और लिखा कि मिलिए उत्तराखंड में कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने का सपना संजोए आधुनिक सैयद अहमद खान उर्फ हार सैयद अहमद दा, मतलब हरीश रावत का जिक्र है, नामकरण कर दिया। यह उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को तय करना होगा कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाने का वचन देने वालों का साथ देंगे या केदारपुरी पुनर्निर्माण करने वालों का। यानी ट्वीट बिल्कुल संकेत साफ है, संदेश है, वो यूपी में जैसे चल रहा है 80-20 लिखा नहीं है लेकिन मतलब वही है। पहले आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा और फिर इस सियासी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जहां पर हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। लेकिन पहले यह बयान सुनिए पुष्कर सिंह धामी का। देखिए, ये कांग्रेस की नीति रही है जब से देश आजाद हुआ है, तब से लेकर आज तक कांग्रेस केवल तुष्टीकरण करती रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा
न्याय की बात की है, अन्याय किसी के साथ न हो। आज जब हम चार धाम की बात करती है कांग्रेस, एक तरफ चार धाम की बात करती है और दूसरी तरफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की, इस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की पैरवी करती है, तो एक कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि चार धाम में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर क्या करना चाहते हैं। लेकिन हरीश रावत जी भी सहमति दे चुके हैं, दावा कर रहे हैं, और देवेंद्र यादव भी दावा कर रहे हैं कि वो दोनों ने सहमति दे दी। हरीश रावत जी पहले से ही इसके समर्थक रहे हैं और उनके समय में जुमे की नमाज पढ़ने की भी छुट्टी हुआ करती थी। तो एक वायरल हुई तस्वीर भी दिखाई दे रही होगी आपको, और इस ट्वीट का भी मैं जिक्र कर रहा था जो ट्वीट बीजेपी ने आज सोशल मीडिया पर वायरल किया है। और इस ट्वीट में सिर्फ एक ही ट्वीट नहीं बल्कि ना जाने कितने ट्वीट्स हैं, मीम्स बनाकर बकायदा ये जताने की कोशिश की गई कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और मुस्लिम तुष्टीकरण का एजेंडा सीधे तौर पर चलाया जा रहा है। लेकिन ट्वीट के जरिए यह भी साबित करने की कोशिश की जा रही है कि लड़ाई अब 80-20 की उत्तराखंड में भी होने जा रही है। लेकिन सवाल मेरा यही कि आखिरकार मुद्दों से भटकाने की कोशिश चुनाव में क्यों की जा रही है। मैं सीधा रुक कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ, आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे संजीव वर्मा, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। साथ ही साथ राव साहब जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। राव जी आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ समीर रतूड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं मैनिफेस्टो कमेटी से। साथ ही साथ इस पूरे विषय को लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है कुछ और दिलचस्प खुलासे भी होंगे, लेकिन सवाल यही संजीव वर्मा जी, आज तो झमाझम बरसात हो रही है देहरादून में भी। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा तो आ रहा है लेकिन आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सर अनम्यूट कर लीजिए ताकि इस चर्चा को हम आगे शुरू कर पाए। संजीव वर्मा जी का वीडियो भी डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन यहां मसला सीधे तौर पर उस सियासी सवाल को लेकर है। राव साहब कब बना रहे हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी बना रहा है लेकिन हाँ मैं इतना कहूंगा हताश निराश परेशान और हर तरह से हार मान चुकी हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी जो मुद्दों से हटकर विकास के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे और अन्य हमारे युवाओं के मुद्दे, हमारे पहाड़ क्षेत्र के मुद्दे, उनसे हटकर जहां उनको आना था वो आ गए हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा। बात किसने कही पहले? मैं एक बात और कहना चाहूंगा सर कि आप ये बताइए कि अगर हमारे किसी नेता ने या किसी ने एक गैर जिम्मेदाराना बयान अगर दिया है, मुझे अभी पता नहीं क्योंकि मैं क्षेत्र में हूं, तो उसके लिए पूरी की पूरी पार्टी कैसे जिम्मेदार हो सकती है या उसके लिए हरीश रावत जी कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? अब वही बात आ गई कि हम बात करते हैं, आप सिर्फ नमाज के जुम्मे की छुट्टी देंगे, सिर्फ उसके अलावा मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनवाएंगे आप ये कह रहे हैं? देखिए यूनिवर्सिटीज तो उत्तराखंड में इतनी है कि एजुकेशन चाहने वाला युवा वहां पढ़ सकता है। शिक्षा नगरी है, रुड़की है। मैं भी एक मुस्लिम युवा हूँ, मुझे कोई स्पेशल मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, मुझे वो यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ प्यार की, सबके साथ चलने की, सबके साथ रहने की, शिक्षा की, रोजगार की बात हो सके। मैं बता रहा हूँ आपको, अलग अलग तरह की सोच लोगों की होती है, अब उन्होंने किस विषय में क्या कहा ये तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन अच्छा। मैं एक युवा होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इन सब चीजों से अपनी उस विचारधारा के साथ खड़ा होकर खड़ा रहूंगा जो सबके साथ, सबके सम्मान में और सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। मुझे कोई स्पेशल मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, मैं एक युवा होने के नाते ये कहता हूँ, मुझे वो यूनिवर्सिटी चाहिए जहां मेरे सब भाई बहन मिलकर पढ़ सके। अच्छा, जुम्मे की छुट्टी चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, मैं 5 टाइम की पढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ मुझे कोई छुट्टी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस बात का ही मुद्दा हरीश रावत के शासनकाल में मिलती है,
हरीश रावत जी नहीं, मिलती है नहीं मिलती है, ये सब मुद्दे हैं। मैं कहता हूं कि आप बात कीजिए विकास की, आप बात कीजिए रोजगार की, आप बात कीजिए उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की। अभी रुकिए ना, उत्तराखंडियत पर ही आ रहा हूँ, रुकिए एक सेकंड, रुकिए। संजीव वर्मा जी, आप सर मेरा ऑडियो वीडियो आ रहा होगा आपको भी, और आपका भी आ रहा है सर, अनम्यूट कर लीजिए सर, ताकि मैं आपकी, क्योंकि आप, आपका गीत भी बहुत शानदार होता है, तो आप गुनगुनाएंगे, हम मिलके सियासी गीत गुनगुनाएंगे, तो जरा प्लीज अनम्यूट सर, आपका अनम्यूट करिए। हाँ, हो गया सर, हो गया बिल्कुल। वर्मा जी, मैं एक बात कह रहा था, क्योंकि राव साहब अभी जुड़ेंगे, मैं ये कह रहा था कि उत्तराखंड में आज झमाझम बरसात हो रही है रात से, और मौसम हो गया सर्द, और जब ठंडी हवाएं चलती हैं, जब ठंडी हवाएं चलती तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की तरफ जाती है, समझ रहे सर मेरी बात, और फिर उसके बाद दिल्ली, हरियाणा, मतलब उत्तराखंड से सर्द हवाएं जो है वो उत्तर प्रदेश की तरफ चलती हैं। आप कह रहे होंगे मैं कौन से मौसम की बात कर रहा हूं, कौन से मौसम वैज्ञानिक की तरह बात कर रहा हूं, है ना सर? इसके पीछे एक लॉजिक है। अब लॉजिक ये है कि ये हवाएं उल्टी कैसे चल रही हैं, मतलब जो हवाएं उत्तराखंड से होते हुए जाती हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, और उत्तर प्रदेश की हवाएं उल्टा रुक कर रही हैं उत्तराखंड की तरफ। दिलचस्प बात हो गई सर, और ये सियासी फिजाएं 80 और 20 पर आ जाती हैं उत्तराखंड में भी। गजब सर। वर्मा जी, क्या एजेंडा तय किया आप लोगों ने, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुबारक हो सर। तिलक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विकास के मुद्दे पर, 2022 का जो हमारा विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, हम पूरी तरह से विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में जा रहे हैं। जनता का हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, और मैं सोचता हूँ हमने विकास किया है, और विकास इन बाकी के जितने भी मुद्दे हैं उन सब के ऊपर विकास भारी पड़ने वाला है। दूसरी बात, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ोगे? सर एक मिनट प्लीज, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस मुद्दे को हमने, इस बात को और इस नारे को हमने साकार किया है पिछले 5 सालों की जो हमारी सर पिछले 5 सालों में जितनी हमारी सरकारें रही, कितने मुसलमानों को टिकट दिया आप ये देखिए, किसी भी वर्ग के साथ सर, कितने मुसलमानों को टिकट दिया आपने, किसी भी समुदाय के साथ मुसलमानों को टिकट दिया आपने? सर मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज, सर मैं पूछ रहा हूँ आपसे ना, आप बताइए ना सर, सर मेरी बात, सर मेरी बात, सर मेरी बात, ट्वीट पढ़ना शुरू करूंगा जो आपके ट्विटर हैंडल पर पड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया उत्तराखंड में? तिलक जी देखिए, भटकाने का काम पूरी तरह से कांग्रेस के द्वारा किया गया। हम भारतीय जनता पार्टी ने ना तो कभी किसी के साथ भेदभाव किया, हम ना हमारी जितनी भी सरकार की योजनाएं परियोजनाएं थी उसमें 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 समाज के प्रत्येक वर्ग को, समाज के प्रत्येक वर्ग को, अल्पसंख्यकों को बराबर बराबर योजनाओं में सहभागी बनाया। हमने जितने भी कोई आवास योजना हो या सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उज्ज्वला योजना हो और बाकी दुनिया भर की जो हमारी योजनाएं हैं, हमने हमने कभी किसी योजना में भेदभाव नहीं किया। सर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की घोषणा कांग्रेस के द्वारा की गई, एक तरफ ये लोग चार धाम की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हम डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हम रोजगार देने की बात करते हैं, हम युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने की बात करते हैं, उनको सशक्त तो बनाने की बात करते हैं, हम उनको सशक्त करने का काम कर रहे हैं सर, और ये विकास को धत्ता बताते हुए ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ये पूरा का पूरा कॉम्युनल पार्टी है सर। मैं ये बोलता हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ सीधा सीधा, ये कॉम्युनल पार्टी है। जब अच्छा, एक तरफ चार धाम की बात करते हैं, एक तरफ जुम्मे की नमाज की बात करते हैं, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए पहले तो। ओके ओके, पहले अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। एक वर्मा जी, अभी तो मैं दिखाऊंगा, अभी मेरे पास भी है सर, मैं दिखा भी रहा हूं, अभी पढ़ के बताऊंगा जो आपने ट्वीट किया। मैं 80-20 की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं पढ़ के बताऊंगा आपके जो जितने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किए गए हैं, मैं एक एक ट्वीट पढ़ के बताऊंगा आपको। अगर आप चाहेंगे तो अभी ओपन करिए अपना ट्विटर हैंडल,
आप भी बैठे हुए बीजेपी कार्यालय में, आप अपना ट्विटर हैंडल ऑन करिए और फिर मैं एक एक ट्वीट पढ़ के बताऊंगा आपको कि आपके आज ट्विटर हैंडल से कैसे कैसे ट्वीट्स हुए हैं। लेकिन राव साहब पहले आप जवाब दीजिए, फिर समीर जी आपके पास आ रहा हूँ। तिलक जी साथ साथ आप कांग्रेस के भी ट्विटर हैंडल पे जाइएगा और उसमें देखिएगा कैसे कैसे राष्ट्र विरोधी उसके अंदर बयानबाजी करी गई है, किस तरह की एक अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। देखिए चावला सर, मैं हमेशा से हर मुस्लिम नौजवान को ये कहता हूँ कि बेसिक शिक्षा हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, खास करके अल्पसंख्यक जो हमारे भाई हैं, शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी है, मैं आज भी कहता हूँ। लेकिन हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, जब भी चुनाव आते हैं ये ऐसे मुद्दे को लेकर आते हैं जिन मुद्दों का जमीन पर अब कोई अस्तित्व बचा नहीं है, उन मुद्दों को जनता समझ चुकी है और जनता जान चुकी है। आज ये जो माननीय हरीश रावत जी का फोटो वायरल कर रहे हैं सर सैयद अहमद के नाम पर, उस एएमयू यूनिवर्सिटी में मैं लगभग एक साल रहा हूँ, वहां के जो मेरे हिंदू भाई हैं, अगर आप उनसे बात करें, जो उनको शिक्षा मिलती है और जो वहां पे सिखाया जाता है और जो वहां का पढ़ा हुआ होता है, वो ये नहीं पूछा जाता कि ये हिंदू है या मुसलमान है, उसकी एजुकेशन, उसकी शिक्षा और उसके विचार हमेशा देशभक्ति वाले रहते हैं और वो देश के साथ लड़कर। अपने नेताओं को ऐसे बयान देने से रोकना चाहिए आपको, फंस गए ना, फंसे नहीं है। तिलक जी हमारे कांग्रेस के भाई ने पहले ही बोल दिया है कि हमारे नेता गैर जिम्मेदार हैं, यानी कि हरीश रावत जी को आपने पहले ही गैर जिम्मेदार बोल दिया है। हरीश रावत जी ने तो बयान दे रहे हैं, आपने पहले ही गैर जिम्मेदार उनको किसी और के नाम से हरीश रावत जी को बीच में ला करके, अगर किसी ने व्यक्तिगत अपनी कोई विचार प्रकट किए हैं, अब आप कहते हैं कि बड़ा परिवार है हमारा परिवार भी आपसे एक शायद बड़ा ही होगा, छोटा नहीं है। अब हर परिवार में उनकी क्या सोच रही होगी, मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहूंगा, उन्होंने अगर कुछ कहा है या उनसे किसी ने कहलवाया है तो मैं उसे क्या कहूं, मैं अपने नेता ओके। अब मैं उसके मेरे सहयोगी भी जुड़ गए, लेकिन समीर अतुड़ी जी चल क्या रहे हैं उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश की हवा है, उल्टा उत्तराखंड की तरफ रुक कर रही है, यही चल रहा है समीर अतुड़ी जी। शैलेश बगोली जी का आप ये देखिएगा, शैलेश बगोली जी का ये आदेश देखिएगा जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार 1.5 घंटे की छुट्टी जुम्मे की नमाज के लिए दी जाए, और मैं इसको आगे थ्रू कर रहा हूँ, मैंने आपको दिखाया है। आप जिस आदेश का जिक्र कर रहे हैं वो आदेश पर भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले समीर अतुड़ी अपनी बात रखिए, फिर सुभाष गौड़ आपके पास आ रहा हूँ, चल क्या रहे उत्तराखंड में। बिल्कुल तिलक भाई, आपने सही बात बोली कि जो तुष्टिकरण की राजनीति है उसकी हवा जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की तरफ आने लग गई है। उत्तराखंड में कभी भी किसी भी चुनाव में ऐसा कभी नहीं हुआ जहां पर आप धर्म के नाम पर या तुष्टिकरण की राजनीति पर आप बात करने की तैयारी कर रहे हो, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जहां पर ये चीजें आनी शुरू हुई है और इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों अपना गेम खेल रही है। ये बात सत्य है कि रावत जी के द्वारा संभवतः किसी विधानसभा को लेकर ये बात बोली गई थी कि हम वहां पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करेंगे, और उसका जो ये जो बात उठी है उसके बाद बीजेपी ने पूरा प्रयास किया और जो हवा का माहौल जो बनाने का पूरा प्रयास किया गया पूरे उत्तराखंड के अंदर, वो वोट को पोलराइज करने के चक्कर में और तुष्टिकरण की राजनीति चक्कर में बीजेपी ने इसमें पूरा पूरा अपना रोल अदा किया है। ये बात कहीं गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। कौन कर रहा है तुष्टिकरण की राजनीति? दोनों पार्टियां कर रही है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों कर रही है। अच्छा, और वो पर्टिकुलर एक समुदाय को लेकर कर रही है, एक धर्म को लेकर कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि सियासत दोनों तरफ से हो रही है, ओके बिल्कुल। सुभाष गौड़, सुभाष ये तुष्टिकरण पर आज तक तो मैंने 2007 का चुनाव, 2012 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2022 आ गया, मैंने आज तक हिंदू मुसलमान पे चुनाव नहीं देखा उत्तराखंड में, कोई एक दो सीट पर हुआ हो तो रुद्रपुर वगैरह में या फिर हरिद्वार की एक दो सीट पर, लेकिन उत्तराखंड में इस तरह से हिंदुत्व का एजेंडा और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एजेंडा
इस तरह की सियासत आज तक कभी नहीं हुई थी, लेकिन ये चल क्या रहा है उत्तराखंड में? सुभाष जी, बिल्कुल ये कहा जा सकता है, इससे पहले उत्तराखंड की जो पृष्ठभूमि है वो खास तौर से पहाड़ और मैदान के बीच में तो जरूर देखी गई थी कि पहाड़ का व्यक्ति है, मैदान का व्यक्ति है। मैदान भी मतलब कि तराई वाला क्षेत्र, चाहे हरिद्वार हो, उधमसिंह नगर हो, इस बेल्ट को तराई में गिना जाता था, और पहाढ़ में बाकी जो जनपद है, चाहे कुमाऊं मंडल के हैं, गढ़वाल मंडल के, इसमें जरूर गिना जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय आया, फिर ये देखा गया ब्राह्मण ठाकुर जरूर उत्तराखंड में चला। लेकिन अब 2022 में जिस तरीके से देखा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम जो दो अलग अलग समुदाय हैं, उनको कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक पार्टी, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी हिंदुओं की पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस उत्तराखंड में मुस्लिमों की पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस ऐसी राजनीति करने से आने वाले भविष्य में उत्तराखंड का क्या विकास होगा कि नहीं होगा। बड़ी चीज ये है कि कोई छोटा नेता बोलता तो शायद समझ में भी आता कि उन्होंने अनजाने में कहा होगा, वोट बैंक के लिए कहा होगा, लेकिन सीनियर लीडर्स, कांग्रेस के बड़े चेहरे, पूर्व मुख्यमंत्री, इतना इस तरीके की उनकी वीडियोस आती है तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं चिंताजनक है। लेकिन उसके बाद बीजेपी भी थमने का नाम नहीं लेता, बीजेपी भी ये कहा जा सकता है, या फिर सोशल मीडिया पर उनकी जिस तरीके से तस्वीरें सामने आने लगी, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से हिंदू मुस्लिम की जो स्थितियां और राज्यों में होती है, क्या मुद्दों से भटकाने के लिए और एक नैरेटिव सेट करने के लिए इस तरह से बयानबाजी हो रही है? बिल्कुल समय था इस समय लोगों को ये बताने की कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, यानी कि बीजेपी की सरकार ने पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में क्या विकास किया, और कांग्रेस की जरूरत थी कि भाजपा ने जो काम नहीं किए उनको गिनाने की कोशिश की। मैंने सीएम साहब से पूछे थे, वर्मा जी, जी जी, सीएम साहब से पूछे, मैंने सीएम साहब को कहा, मैंने कहा, इंटरव्यू न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने लिया, मैंने कहा सर 5 काम गिनवा दो सीएम साहब, बोले तिलक भाई लिस्ट भेज दूंगा। लोकायुक्त है नहीं है ना सर? सर मैं गिनवाऊंगा सर, लोकायुक्त, लोकायुक्त है उसमें नहीं सर, मैं गिनवाऊंगा ना, मैं गिनवाऊंगा ना सर, सर मैं गिनवाऊंगा ना आपको, मैं आपको 500 काम गिनवाऊंगा सर, 500 गिनवाइएगा। मैंने वही सीएम साहब से भी पूछा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब आपके पास 500 काम है, 500 काम गिनवाइए ना, 500 दिन लग जाएंगे 500 काम गिनवाने में, अब आपके पास बचे 10 दिन मुश्किल से, आप ये हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं, इससे क्या भला होगा? सर हिंदू मुसलमान हमने नहीं किया, हिंदू मुसलमान करने का अगर कोई दल जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि इन लोगों ने न विकास किया है, ना विकास का इनके पास कोई एजेंडा है, ना कोई रोड मैप है, और जैसे एक कहावत है कि सावन का अंधेरे को सब कुछ हरा हरा दिखता है, इसी तरह कांग्रेस कांग्रेस को सब कुछ काला ही काला दिखाई देता है। ये लोग ना विकास को देखना चाहते हैं, ना विकास को देखने की ये लोग चेष्टा कर रहे हैं, ना विकास को देखने की चेष्टा कर रहे हैं, और इनके सामने विकास की बात करें, विकास की सुनना भी ये लोग नहीं चाहते। देखिए सर, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो शिक्षा की बात हुई, मैं इसके व्यक्तिगत तौर पर भी किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम से कोई भी शिक्षा की संस्था, किसी पूर्वज के नाम से हो सकती है, किसी के नाम से हो सकती है, लेकिन ये जो जिस तरह के एजेंडे अब भाजपा बौखलाकर ला रही है, मैं तो सीधे आप कर रहे हैं, समीर रतुड़ी ने कहा कि आप लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। राव साहब भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात नहीं कही, स्वच्छ राजनीति करने वाला दल है, आपने एक टिकट भी, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अभी सर ने पूछा कि एक टिकट पूरे उत्तराखंड में कोई एक टिकट सबका साथ सबका विकास के नाम पर आप बता दें, पहले आपका एक टिकट मंगलोर और कलियर मंगलोर में हो जाया करता था, पिछली 2 योजनाओं से वो सबका साथ सबका विकास दूर है। सबका विकास सबका साथ माननीय संजीव वर्मा जी खाली कहने से नहीं होगा, आपको धरातल पर उन चीजों को लाना पड़ेगा। हाँ हम कह सकते हैं कि हमने सबकी बात की है, सबके साथ रहकर बात की है, अब आप मुद्दों से हटाकर जनता को अपने उसी नैरेटिव मुद्दे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं जिसको जनता समझ चुकी है, आपके मुद्दे
हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, मैं कहता हूं कि इन सबको छोड़िए, आइए विकास की बात करते हैं, आइए भाईचारे पर बैठकर हम बहस करते हैं कि कैसे हमारी देश की एकता, हमारे प्रदेश की अखंडता को बनाया जा सके। आइए बात करते हैं उन युवा बेरोजगारों की जो दर दर भटकने को मजबूर है। आइए बात करते हैं हम उन 15 लाख की जो आपको दे थे। आइए बात करते हैं हम उस डबल इंजन सरकार की जो कर्णप्रयाग में रेल लेकर जाने वाली थी। आइए हम बात करते हैं उस सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया जहां आप कहते थे युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिला, खनन के क्षेत्र में आपके लोगों को रोजगार मिला, मेरा युवा खड़ा हुआ था। फिर मैं सुभाष गौड़ आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं कुछ बयान भी दिखाऊंगा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करिए आप, बाकी बात का जवाब देने के लिए मैं बैठा हूं। मेरा युवा रोजगार मांग रहा था, आप मुख्यमंत्री जी को रोजगार दे रहे थे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कांग्रेस ने करी है, पहले उसका जवाब दे। मैं युवा हूं और मेरे साथ वाले जितने युवा हैं, हमें कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमें एक यूनिवर्सिटी चाहिए जिसमें से शिक्षा मिल सके। तो आप स्वीकार करते ना कि आपके जो नेता हैं उन्होंने गैर जिम्मेदार बयान दिया है, वो गैर जिम्मेदार हैं? मैं उनके गैर जिम्मेदाराना बयान को कैसे मैं मान सकता हूं कि वो गैर जिम्मेदाराना है? वो तो खुद वो बताएंगे। अभी तो आपने कहा वो गैर जिम्मेदार है, गैर जिम्मेदाराना उन लोगों ने बयान दिया है। क्या उन्होंने ये कहा कि चलिए नाम हो सकता है? क्या उन्होंने ये कहा कि वहां खाली वही लोग जाएंगे? मैं पूरी बात को कैसे उनकी बात को आपको बता सकता हूं? लेकिन आप लोगों को जहां आना था माननीय संजीव वर्मा जी, आप लोग वहां आ गए। ओके, इस तरह के ऐसे सैकड़ों बयान आते हैं। समीर अतुड़ी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस तरह के ऐसे सैकड़ों बयान आते हैं, लेकिन ये बयान क्लिक कर गया, क्लिक किया, करवाया गया, क्यों हुआ? मैं तो सोच रहा था समीर अतुड़ी जी, जैसे उत्तर प्रदेश में आपके एक बड़े नेता हैं, बोले कि हम विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे, हम बिजली पानी सड़क शिक्षा की बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बोले इतने ठाकुर हैं इतने ब्राह्मण हैं। आपके बड़ा नेता की बात बता रहा हूं, समीर अतुड़ी साहब उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा क्यों आ गए जातवाद पे? बोले उत्तर प्रदेश में तो जातवाद पर ही चुनाव होता है मेरे भाई, ये जातवाद पर ही चुनाव होता है, ये मुद्दे बिजली पानी सड़क शिक्षा। उत्तर प्रदेश में देखा क्या हुआ? बेरोजगार लाठी खा रहा, लेकिन बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दा है? तेरी गर्मी उतार दूंगा, वो कहता है कि इसकी चर्बी उतार दो। वो कह रहा है 80, वो कह रहा है 20, वो कह रहा है मुसलमान, वो कह रहा है जाट। कहां गए मुद्दे? कहां गए समीर अतुड़ी मुद्दे? उत्तराखंड में भी वही हो रहा है तिलक भाई, उत्तराखंड में भी वही हो रहा है। आपके नेता स्कूल दर स्कूल घूमते रह गए, अब चुनाव हो गया क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर? इधर से उधर बिजली पानी 300 यूनिट, 500 यूनिट, वाईफाई फ्री, ये फ्री, वो फ्री। गैरसैंण कभी गए नहीं, गैरसैंण को राजधानी बनाओगे आप लोग? मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो ये है मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो बीजेपी को सूट करेगा वही मुद्दा बन जाएगा। समीर अतुड़िए, तिलक भाई मैं बोलना चाहता हूँ पहले राव साहब को कि आप बोल रहे हैं कि आप लोगों ने कोई तुष्टिकरण की राजधानी नहीं की, आप विकास की बात पे बात करना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या जुम्मे की छुट्टी से क्या विकास संभव होगा? क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनने से विकास संभव होगा? उत्तराखंड के अंदर तमाम जितने भी महाविद्यालय हैं, तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटी है जहां मैं खुद पढ़ा भी हूं, वहां पर कभी इस बात का नहीं हुआ कि मुसलमान छात्र पढ़ता है या हिंदू छात्र पढ़ता है या सिख छात्र पढ़ता है या कौन सा क्रिश्चियन छात्र पढ़ता है, वहां सिर्फ छात्र पढ़ता है। और इस उत्तराखंड के अंदर कभी ये बात नहीं हुई कि यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी स्थापित होनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं होनी चाहिए। ऐसे हिसाब में अगर आपके पार्टी के किसी आला कमान ने ये बात बोल दी है कि आपको मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम ले लिया है, तो सवाल उठता है कि किसने इसकी तुष्टिकरण की राजनीति करनी शुरू करी है। और जहां तक संजीव वर्मा जी आपकी बात है, आप जो अपना पाक साफ बन रहे हैं, अगर किसी ने गलती करी है तो उस गलती को उजागर करके बड़े हाईलाइट करने का काम भी आपकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आप ही की पार्टी को काम कर रही है कि जो तुष्टिकरण की राजनीति को जो दबाना चाहिए था, जो गलत काम को दबाने का काम आपके द्वारा किया जाना चाहिए था, आपने उसको हवा दी है और उसको पूरा बनाने का प्रयास किया है। इसलिए आप भी अपने आप को पीछे मत आइए इस बात को लेकर, जहां गलत कांग्रेस है वहां दूना काम आपने भी गलत काम किया है। रही बात मुद्दों की बात, अभी तिलक भाई आप बोल रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, वो अपने घोषणा पत्र में ये डाल चुकी है जो मुद्दे हम लेके आए थे। हमने कहा फ्री बिजली की बात करेंगे, तब उस पर उन्होंने बोला, मेहरा जी ने बोला हम फ्री बिजली नहीं दे सकते, संभावना नहीं है। आज ये घोषणा पत्र में 200 यूनिट फ्री बिजली की बात आ गई है। जब हमने बोला कि 6 महीने के अंदर हम रोजगार देंगे, तो उन्होंने हरीसावा जी ने बोला ये भी संभव नहीं है। अब उनके घोषणा पत्र में आ गया कि 57,000 रोजगार हम उस पद हम सृजित करेंगे, उसका पूरा भरेंगे। आखिर ये सारी बातें जो पॉलिटिकल पार्टी कबूल कर रही है, इसका प्रमाण है
कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे अपने कबूल है की सही बात है। अगर वो 2017 का विजन डॉक्यूमेंट मुझे बता दे तो 32 ने बनाया था, कोई नहीं पढ़ता सर। ये सत्ता आई और विजन डॉक्यूमेंट अगले साल के लिए तैयार हो जाता है। इसी ट्रेंड को बदलने के लिए, इसी ट्रेंड को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरी है कि आपने जो बोला है जनता के सामने उसको पूरा करना जरूरी है। क्या वाकई में उत्तराखंड में वही उत्तर प्रदेश की सियासत आने वाली है जो बात संजीव वर्मा कर रहे हैं 80 और 20 की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल कहा जा सकता है कि क्योंकि जिस तरीके से अब हिंदू मुस्लिम उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, वो राज्य जिसे शांतिपूर्वक राज्य माना जाता है, जैसे पहाड़ का राज्य माना जाता है, पर्वतीय क्षेत्र का राज्य माना जाता है, जहां विकास पर बात की जाती थी, बेरोजगारी पर बात की जाती थी, पलायन पर बात की जाती थी, उस राज्य में यदि इस तरीके की बातें आ रही है तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश वाली स्थिति अब उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये सवाल बड़ा है कि जो राज्य सरकार है जिसने पिछले 5 साल में सत्ता पर जो काबिज रही, उनके जो विकास कार्य था उनको जनता के बीच पहुंचाना था, और विपक्ष की भूमिका जो होती है कि जो काम बेहतर नहीं कराए गए उन कामों को जनता के बीच ले जाना, मुस्लिम कराना था। तो यही वजह मान सकते हैं कि अब जो मुद्दा है, जो ट्रैक है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो दिखाने की जरूरत है, जो समझाने की जरूरत है जनता को, उनको ना समझाने की बजाय अब हिंदू मुस्लिम पर यहाँ चुनाव आके टिक गया है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी हिंदुओं की पार्टी मानी जा रही है तो सभी लोग हिंदू हिंदू कर रहे हैं, वैसी कांग्रेस भी एक तरीके से मुसलमानों की पार्टी बनकर एक बड़ा वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है, और यही वजह है कि इसका बड़ा खामियाजा आने वाले भविष्य में उत्तराखंड को भुगतना होगा। क्या सुभाष, कांग्रेस इस तरह के बयानों से खुद को बचाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो चाहती है कि एक संदेश भी जाए कि भैया अल्पसंख्यकों के बीच में कि भैया अगर है तो सिर्फ कांग्रेस ही है, और जहां पर एक खतरा है आम आदमी पार्टी के रूप में कांग्रेस के सामने कि अगर ये वोट बैंक जो है कम से कम ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्या यही खतरे का अंदेशा कांग्रेस को लग रहा है? बिल्कुल कहा जा सकता है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पहुंची, और ये बड़ी चीज ये है कि चाहे वो बीजेपी का सर्वे हो या फिर कांग्रेस का सर्वे हो या फिर खुद आम आदमी पार्टी का सर्वे है, जो आम आदमी पार्टी यदि किसी पार्टी को उत्तराखंड में डैमेज कर रही है तो वो पूरी तरीके से कांग्रेस है, और इसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को आने वाले चुनाव में देखने को भी मिलेगा। और यही वजह है कि इस तरीके की राजनीति उत्तराखंड में चल रही है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आखिरकार अगर इस तरीके की राजनीति आने वाले भविष्य में अगर उत्तराखंड में और बढ़ती है तो इसका बड़ा खामियाजा उत्तराखंड की जनता को भी भुगतना पड़ेगा, जो कि अभी तक केवल पहाड़ मैदान और रोजगार पलायन जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ते थे, जो उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते थे, आज अगर यदि हिंदी मुस्लिम कर रहे हैं तो ये बड़ा खामियाजा उत्तराखंड को भुगतना पड़ेगा। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा ये जो हम ट्वीट्स दिखा रहे हैं विंडो में, प्लीज ट्वीट जो है फुल फ्रेम लेकर आइए। इसमें एक ट्वीट बेहद वर्मा जी, वो बेहद ये वाला ट्वीट, यस इस ट्वीट को मैं पढ़ के बताता हूं। आपने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मिलिए उत्तराखंड में कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने का सपना संजोए, आधुनिक सैयद अहमद खान उर्फ हार सैयद अहमद दा, हार सैयद अहमद दा से। आप मुस्कुरा रहे हैं। आगे आपने लिखा अपने ट्विटर हैंडल पर, ये उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को तय करना है कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का वचन देने वालों के साथ है या केदारपुरी पुनर्निर्माण करने वालों के। केदारपुरी का पुनर्निर्माण करने वाले साथ हैं या फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने वाले, मतलब 80 और 20 की आप बात कर रहे हैं वैसे। लेकिन मुझे ये बताइए, जो आपने ये लिखा कि हार सैयद अहमद दा, ये कौन है सर? संजीव वर्मा जी, तिलक जी मेरी बात का मैं आप जवाब देंगे। आप ये बताइए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात छेड़ी किसने? भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ी क्या? कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया गया और जानबूझ के मुद्दा उठाया गया। सर सर तिलक जी प्लीज, सर आपके ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट मैंने निकाल के दिखा रहा हूं। आप तिलक जी, तिलक जी मेरे को, तिलक जी मेरे को बोलने का मौका देंगे, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, मेरे को बोलने का मौका दीजिए प्लीज। कांग्रेस ने जानते बूझते ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया, और जिस तरह से उसने पूर्व में अपनी सरकार के रहते हुए जुम्मे की छुट्टी का एक आदेश, सरकारी आदेश पारित करवाया
उससे साफ इन लोगों की मंशा हो जाती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और अभी जब राहुल गांधी जी विगत दिनों में परेड ग्राउंड पे आए थे, उन्होंने मैं आ रहा हूँ आपकी सर, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। अहमद दा कौन है? हार सैयद दा अहमद कौन है? सर ये वही है जिन्होंने सर ये वही है जिन्होंने 1.5 घंटे की जुम्मे के नमाज की छुट्टी जिन्होंने 1.5 घंटे की नमाज की छुट्टी के सरकारी आदेश दिए थे, ये वही है जिसने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हमारी सरकार आएगी तो हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे और देवभूमि में। आप ये कह रहे हैं सर, पहले मेरी बात सुनिए, पहले आप मुझे इतना बताइए संजीव वर्मा जी, सिर्फ इतना बताइए मुझे कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि या तो आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाने के साथ आ जाइए या फिर केदारपुरी पुनर्निर्माण करने वालों के साथ आ जाइए, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो आप भी तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं सर। हमने तो कभी किया ही नहीं, हमने आप मेरी बात सुनिए, आप बोलने का मौका ही नहीं देते सर। हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाने आ जाइए या फिर केदारपुरी बनवाने वाले। तिलक जी बोलने का मौका देंगे तो मैं अपनी बात स्पष्ट कर पाऊंगा ना। मैंने कहा अभी राहुल गांधी जी की देहरादून में जो एक चुनावी सभा हुई थी उसमें राहुल गांधी जी को किसी व्यक्ति द्वारा, किसी कार्यकर्ता द्वारा एक रुद्राक्ष की माला पहनाई गई। उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनने से इनकार कर दिया केवल इसलिए कि मैं अल्पसंख्यकों को खुश कर पाऊं। वो मेरे को ये देख के प्रसन्न हो जाए कि इन्होंने हिंदुओं का अपमान किया। तो आप ये बताइए, मैं तो आपको एक प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं सर। कांग्रेस सदा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और केरल में जाते हैं तो क्रॉस पहन लेते हैं, कभी कहीं चार धाम की बात करते हैं और कहीं जुम्मे की छुट्टी की बात करते हैं, कहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। विकास से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, विकास से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। विकास के ऊपर तो आप बात करिए ना सर, आपने अगर 500 काम किया तो 500 काम गिनवाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ आप अपने ट्विटर हैंडल पर लिख रहे हैं या तो फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों के साथ आ जाइए या फिर केदारनाथ पुनर्निर्माण वालों के साथ चले जाइए। आप भी तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं सर। तिलक जी देखिए, इस देश के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात की अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात को व्यक्त कर सकता है, अपनी बात को बोल सकता है। जब जब किसी ने अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण किया उसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि 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 मैं कह रहा हूं मुद्दों पर रहिए ना। समीर अतुड़ी ये कौन सा ट्वीट हुआ जो संजीव वर्मा ने किया? संजीव भाई, अगर किसी व्यक्ति विशेष में टिप्पणी की जा रही तो अलग बात है, लेकिन अगर पूरे समुदाय में अगर टिप्पणी की जा रही हो तो उसका विरोध होना चाहिए। या आपको भी समझना चाहिए, हमको भी समझना चाहिए। आपके ट्वीट से अगर पूरा समुदाय, पूरे देश, पूरे उत्तराखंड के अंदर नागरिकों में एक अलग सी भावना पैदा हो रही हो जो नेगेटिव हो, उसको कबूल नहीं किया जा सकता, उसका विरोध होना चाहिए। वो जो ट्वीट है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया गया है, वो ट्वीट किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया गया है और हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का आजादी है इस देश में। हर व्यक्ति को अपनी बात की उसको बोलने की आजादी है इस देश। संजीव वर्मा जी मुझे जवाब दीजिए, जी बताइए, स्टेटमेंट देती है तो किसी व्यक्ति से बोल पाती है कि अपना बोल देती है? व्यक्ति तो बोलता है भाजपा का स्टेटमेंट। एक मिनट, अरे संजीव वर्मा जी, रतुड़ी जी तेरे बोल रहे हैं, आप बोलोगे हम नहीं बोल रहे हैं। रतुड़ी जी, आप लोगों का चेहरा पहले से ही उजागर है। भारतीय जनता पार्टी संजीव भाई, पहले आप अपनी बात कीजिए। क्या जो ट्वीट आपके द्वारा पार्टी के मुखियों के द्वारा किया गया, क्या वो पार्टी का ट्वीट नहीं माना जाएगा? कौन आएगा पार्टी से बोलने के लिए, बताइए मुझे। रतुड़ी जी कौन देगा फिर उसके बाद? रतुड़ी जी
देखिए आप लोग एक तरह से दिल्ली में शाहीन बाग के कैंप लगवाते हैं, शाहीन बाग के तंबू लगवाते हैं, वहां पे राष्ट्र विरोधी नारे लगवाते हैं, जहां पर कांग्रेस आपकी सहभागी बन के बैठी रहती है, कांग्रेस आपकी सहभागी बनती है। शाहीन बाग में सीएए के जो आंदोलन करते हैं, बसों में आग लगाई जाती है, आप फोर्स के अधिकारियों के नेशनल हत्या करवाते हैं, आपके आपके जो पार्षद हैं, आपके जो विधायक हैं, वो हिंदू विरोधी नारे लगाते हैं, बोल के हिंदू विरोधी बोलते हैं, वो बोलते हैं हिंदू विरोधी बोलने पे हमको गर्व है। आप ये आपके पार्षद का बयान है दिल्ली के, ये आपके दिल्ली के पार्षद का बयान है जो दंगे का मुख्य आरोपी है। कि जो स्टेटमेंट जो ट्वीट आए हैं क्या वो भाजपा के पदाधिकारी के ट्वीट नहीं थे? आपसे इसका जवाब हाँ या ना पे दीजिए। आप अपने आप देखिए ना, आप अपने आप देखिए, पूछ रहे हैं आप, बताइए। अब देखिए तिलक भाई ने साफ, अरे तिलक भाई ने स्क्रीन पे साफ दिखाया ट्वीट कौन कर रहा है। अब आप इस बात से क्यों इनकार करें कि भाजपा का ट्वीट नहीं है वो? अरे रतुड़ी जी आप ये बताइए, आप एक जगह शाहीन बाग को प्रमोट करते हैं, आप एक जगह शाहीन बाग को प्रमोट करते हैं, एक जगह मुस्लिम यूनिवर्सिटी को प्रमोट करते हैं, और संजीव भाई पहले अपने घर की बात करें। पुष्टिकरण की राजनीति आप लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। हम विकास की राजनीति करते हैं, हम सेवा की राजनीति करते हैं, हम सेवा की राजनीति करते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, आम आदमी पार्टी करती है, हम लोग तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। हम सर्व समाज का एक समान रूप से पूरा पूरा उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस देश पर हम समाज के अंदर काम करते हैं। जो आपके शब्दों में आदर दिख रहा है वो आदर आपके ट्वीट में क्यों नहीं है, यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। ओके अभी 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 ये ट्विटर हैंडल पर इतने शानदार ट्वीट बनाए गए हैं सुभाष बीजेपी के, और संजीव जी कह रहे हैं कि नहीं इसमें तो हमारा कोई लेना देना नहीं, जिसने बना दिया तो बना दिया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम तो बता रहे हैं कि आप या तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने वालों के साथ चले जाइए, या फिर केदार धाम पुनर्निर्माण करने वालों के साथ। तो फिर ये क्या संदेश है? अगर कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, किसी नेता ने बयान दिया, तो फिर ये ट्वीट कहां से आ गया कि आप या तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों के साथ चले जाइए या फिर केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण करने वालों के साथ? फिर इस ट्वीट के मायने क्या हुए? बिल्कुल जैसे कि मैं पहले से कह रहा हूँ कि चाहे हमने केदारपुरी का पुनर्निर्माण किया है तो इसमें आपको आपत्ति है क्या? संजीव वर्मा जी मेरे को क्यों आपत्ति होगी सर? ये क्रेडिट तो फिर वो कहते हैं कर्नल कोठियाल की मुझे जाना चाहिए, कर्नल कोठियाल के अलावा फिर हरीश रावत कहते हैं कि मुझे जाना चाहिए, आपको क्रेडिट? कर्नल कोठियाल ने वहाँ पर एक ठेकेदार की भूमिका निभाई है, एक ठेकेदार की भूमिका निभाई है वहाँ पे काम करने के लिए, एक ठेकेदारी ले रखी थी कर्नल कोठियाल ने, कर्नल कोठियाल ने अपनी जेब से पैसा नहीं लगाया है। अच्छा कर्नल कोठियाल ठेकेदार थे, आप ये कह रहे हैं सर? कोई ठेकेदार क्यों नहीं आ पाया वहाँ पर, आप बताइए ना, इस देश के अंदर कर्नल कोठियाल जैसे ठेकेदार और क्यों नहीं है? क्यों एक आदमी कर्नल कोठियाल पे सब विश्वास हुआ, उसने काम किया, कहा है आपके पास दूसरा कर्नल कोठियाल बताइए मुझे जो ऐसा ठेकेदार बन जाए। देखिए गलत शब्दों क्या बोले आप, कर्नल कोठियाल ने अपनी जेब से पैसा लगाया है क्या वहाँ पे जो भी कार्य हुआ है? आप ये बताइए, आप जवाब दीजिए ना इस बात का। आपसे मैंने पूछा, एक एजेंसी के रूप में जो उन लोगों ने काम किया है, एक एनजीओ के रूप में उन्होंने काम किया है, एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उन्होंने काम किया है, क्या उन्होंने अपनी अपनी जेब से कोई पैसा खर्च किया है क्या? अच्छा ये फौजियों का अपमान नहीं है संजीव वर्मा जी, आदर जिसे आप फौजियों का अपमान बनाते हैं, ये फौजियों का अपमान नहीं है कि आप एक फौजी को आप कह रहे हैं कि ठेकेदार, वो ठेकेदार है। सर सर ये अब आप गलत बयानी रतुड़ी जी ने करी ना, मैंने नहीं बोला, मैं किसी फौजी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी फौजी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी फौजी को नहीं बोल रहा हूँ सर। जैसा कि इन्होंने कहा मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये मुद्दे बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए देश में या फिर हिंदू मुसलमान, आज तक नहीं हुआ उत्तराखंड में ऐसा चुनाव,
सर सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल कौन उठाता है? सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल कौन उठाए? आम आदमी पार्टी ने उठाए, कांग्रेस पार्टी ने उठाए, होने चाहिए थे। इसके साथ ही बच्चों को किस तरीके से बेहतर शिक्षा दी जाए वो होने चाहिए थे, लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों ही ये कहा जा सकता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कर रही है। क्योंकि जैसे कि पहले तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कांग्रेस के बयान आते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्विटर पर बीजेपी एक तरीके से आक्रामक रूप से नजर आती है, और वो कुल मिलाकर दिखाने की कोशिश करती है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और हम हिंदुओं की पार्टी है। यानी कि कुल मिलाकर ये साफ है कि बीजेपी बात कर रही है कि हमने केदारनाथ पुनर्निर्माण काम किया है, हमने बेहतर धर्म की राजनीति की, लेकिन कांग्रेस पर जिस तरीके के आरोप लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी भी, कहा जा सकता है कि यदि कांग्रेस ने इस तरीके के बयान दिए थे तो बीजेपी अपने जो विकास काम किए, जो और विकास काम किए उनकी बात करती, लेकिन बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, और इसका खामियाजा वक्त बताएगा चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस के लिए। लेकिन बड़ी चीज ये है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ कई महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, चाहे वो पलायन की हो, पलायन बहुत बड़ी समस्या है उत्तराखंड की, इतनी बड़ी समस्या है कि जिस पर बात करने के लिए ना तो बीजेपी तैयार है, ना कांग्रेस तैयार है, ना आम आदमी पार्टी तैयार है। आम आदमी पार्टी फ्री की एजेंडा लेकर पहुंची, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री रोजगार दे देंगे, लेकिन उन चीजों पर, उन मूलभूत सुविधाओं पर अभी तक किसी ने बात नहीं की इस विधानसभा चुनाव में। पलायन रोकने को लेकर ना बीजेपी ने कोई बात रखी, ना कांग्रेस ने कोई बात रखी। रोजगार तो तीनों ही पार्टियां दे रही हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है हम रोजगार भी देंगे, पैसे भी देंगे, सब कुछ देंगे। बीजेपी कह रही है हमने रोजगार दिया, आगे और देंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम भी रोजगार देंगे, लेकिन जब सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तब वो आंकड़े कहाँ चले जाते हैं जब जरूरत होती है उन रोजगार, उन बेरोजगार लड़कों को रोजगार देने की। उस समय रोजगार नहीं, उस समय कोरोना की मार हो जाती है, अन्य समस्याएं हो जाती है, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता। और एक बड़ी समस्या है पहाड़ में लोगों को रोकने की, उसको आज तक किसी भी राजनीति दल रोकने में नाकामयाब रहा है। कृषि को बेहतर करने के लिए पहाड़ों में कोई भी राजनीति दल नाकामयाब रहा है। तो कहा जा सकता है इस तरीके की नाकामयाबी को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम जैसे बड़े मुद्दों को लेकर ये राजनीति दल इस बार चुनाव के मैदान में उतरे हैं। संजीव वर्मा जी, तिलक जी, सर मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल तिलक, हाँ बोलिए। जो महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है आपसे, आप अपने ट्विटर आईडी पर जाइए, मैं भी ट्विटर आईडी आपके सामने पढ़ता हूं जो आपके बीजेपी उत्तराखंड की है। उसमें 5 घंटे पहले एक ट्वीट किया गया, उसमें लिखा गया, वैसे तो ट्वीट कई सारे हैं, पहला ट्वीट देवभूमि सावधान, ये है कांग्रेस के 4 धाम 4 काम। उसमें हरीश रावत का मीम बनाया गया, और उसके बाद लिखा गया नमाज की छुट्टी पहला काम, मुस्लिम यूनिवर्सिटी दूसरा काम, मस्जिदों का जीर्णोद्धार तीसरा काम, और चौथा काम आपने लिखा है पिरान कलियर को 5वां धाम, पिरान कलियर को। फिर आपके बाद फिर नीचे आइए, आपको फिर एक और ट्वीट दिखाई देगा, उस ट्वीट में भी सीधे तौर पर आपने हरीश रावत का मीम बनाया जिसका जिक्र मैंने किया, और उन्होंने आपने बकायदा लिखा अपनी ट्विटर आई, आधुनिक सैयद अहमद खान उर्फ हार सैयद अहमद दास से मिलिए, ये हरीश रावत को आपने मौलाना दिखा दिया। इस तरह के ना जाने ऐसे कितने ट्वीट्स पड़े हुए हैं आपके ट्विटर आईडी पर बीजेपी की। अब मैं इसे क्या समझूं, ये क्या शांति का संदेश दे रहे हैं आप? तिलक जी देखिए, आपने कुछ ट्वीट तो पढ़ दिए, लेकिन शेष ट्वीट को भी यदि आप पढ़ के दिखाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज के फेवर में लिखे गए हैं उनको भी आपको पढ़ना चाहिए, उनको भी आपको पढ़ के सुनाना चाहिए। जिस तरह से हम लगातार एक बात बोलते रहे हैं, कांग्रेस लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करती है और देश में खाई को एक बहुत और ज्यादा गहरा करने का प्रयास करती है, और हम लगातार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं, विकास सबके लिए और न्याय सबके लिए, लेकिन तुष्टीकरण किसी के लिए नहीं। और कांग्रेस लगातार जिस तरह से ये 2-3 बयान लगातार कांग्रेस के द्वारा इन लोगों इन बयानों को बढ़ावा दिया गया, उसके पीछे की मंशा ये है कि क्या मुद्दों से भटक रहा है उत्तराखंड का चुनाव? तिलक जी, तिलक जी मुद्दों से भटक चुका है। तिलक जी आप तमीर अतुड़ी जी, तिलक जी आप बोलने नहीं देना चाहते। तिलक जी कांग्रेस लगातार ये चाह रही है
कि मुस्लिम एकजुट होकर हमारे पीछे खड़ा हो जाए, एकजुट होकर हमारे पीछे खड़ा हो जाए। इस तरह इस कारण से, इस कारण से वो लगातार इस तरह के बयानबाजी कर रही है। एक तरफ चार धाम की बात करते हैं, एक तरफ तुष्टिकरण की बात करते हैं। क्या आप ये बताएंगे, अगर हम हिंदू की बात करें तो हम कॉम्युनल, आप अल्पसंख्यक की बात करें तो आप सेकुलर, तो दो परिभाषा एक देश के अंदर नहीं चलेगी। या तो ये भाई बातों में क्यों नहीं आते हैं? आपको 5 साल का पूरा मौका मिला, 5 साल पूरे सरकार ने चलाया है, श्रीमान विकास किया है हमने, काम किया है, काम किया है, काम किया है, काम के बल पे जा रहे हैं हम जनता के बीच काम के बल पे जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने काम किया तो आप काम क्यों नहीं दिखा के आप लोग वोट मांगने की बात कर रहे हैं? क्यों आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं? क्यों आप हमने नहीं की, हमने नहीं की, हमने नहीं की, क्यों आप किसी और? श्रीमान ये बात हमने नहीं की, इस बात को हवा देने का काम कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। लेकिन हवा तो आप ही ने दी है, चाहे किसी ने गलत काम कर दिया हो उसको बढ़ावा देने का काम तो आप ही ने किया है। हिंदुओं और केदारपुर की बात किसने करी है? अरे अरे कैसी बात करते हो मान्यवर, आप केदारपुरी के शत्रु हैं क्या? केदारपुरी के शत्रु हैं क्या? आप बताइए, अगर कुछ देर बाद आप हमें देशद्रोही बना देंगे 2 मिनट के अंदर, आपको कुछ भरोसा नहीं है, आपकी पार्टी कुछ भरोसा होता नहीं है। देवभूमि देवभूमि में केदारपुरी को, देवभूमि में केदारपुरी का, केदारपुरी नहीं होगी तो कहाँ पाकिस्तान में होगी क्या? आप बताइए, उत्तराखंड का कुल एक ही धाम रह गया है। आप किसी बात को, किसी बात को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए। आपके स्टेटमेंट, आपकी पार्टी का स्टेटमेंट इस यहाँ की सांप्रदायिकता सद्भाव को बिगाड़ने का पूरा काम कर रहा है, चाहे वो अरे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह, आप पुष्टिकरण की बात करें तो वो नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप पुष्टिकरण की बात करें तो वो सबसे बढ़िया, और हम चार धाम की बात करें तो वो माहौल बिगाड़ने की बात हो रही। क्या बात, क्या परिभाषा है आप लोगों की? क्या कर रहे हैं आप? तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस केदारपुर की बात कर रहे हैं आपने। हमने भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हमारे देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम हैं और पांचवा धाम के रूप में हम सैन्य धाम बनाने जा रहे हैं। ये 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 होती है राष्ट्रीयता की भावना, ये होती है राष्ट्रीयता की भावना। और आप लोग पांचवा धाम किसको बनाने जा रहे हैं? आप लोग किसको पांचवा धाम बनाने जा रहे हैं? आप बताइए, आप ही के मुख्यमंत्री ने सेम मुखेम को पांचवा धाम की घोषणा करी है, आप ही के पूर्व मुख्यमंत्री ने सेम मुखेम को पांचवा धाम की घोषणा करी है। आप बोल रहे पांचवा धाम सेम धाम बनेगा? सेम मुख्यमंत्री सैन्य धाम, हमने हमने कहा चार धाम ऑलरेडी यहाँ पे हैं, पांचवे धाम के रूप में हम सैन्य धाम बना रहे हैं। संजीव वर्मा जी, सैन्य धाम को हम पांचवे धाम की हमने संज्ञा दी है। संजीव भाई आपने एक सेकंड समीर अतुड़ जी, संजीव वर्मा जी, आपने अपने केदारनाथ में जिला प्रभारी आपके बीजेपी शैलेंद्र सिंह, उनका बयान सुना आपने? कल मैंने सुना, कल मैंने 8 बजे प्राइम टाइम में उस बयान को चलाया था, उस पर चर्चा भी, और मैं हैरान हो गया। आपके नेता ने बाबा केदार की तुलना देश के प्रधानमंत्री से कर दी। मतलब चुनाव में कुछ भी चलेगा, मतलब बाबा केदार से देश के प्रधानमंत्री की तुलना हो रही है। मतलब कुछ तो अंधभक्ति होगी ना, कुछ तो। कहां जाकर हम रुकेंगे ये तय करना है हमें। हम बाबा केदार के सम्मान में शीश नवाजते हैं, एक आस्था है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। आपके नेता मंच से खड़े होकर कहते हैं कि बाबा केदार की तुलना देश के प्रधानमंत्री से। मैं ये कह रहा हूं कि क्या देश के भीतर, सर अभी मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं बयान भी सुना सकता हूं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या इस देश के अंदर, और खास तौर पर एक उत्तराखंड ने हमेशा से एक उदाहरण पेश किया है, और आज तक उत्तराखंड में भी कभी हिंदू और मुसलमान पर चुनाव नहीं हुआ, मैं पहली बार देख रहा हूं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि क्या अभी भी मौका नहीं है हमारे पास कि अगर जिन मुद्दों के आधार पर आप कह रहे हैं हमने 5 साल में 500 काम किए, मैं ये कह रहा हूं कि क्या 8,42,000 बेरोजगारी के मुद्दे पर, जो पंजीकृत बेरोजगार है, उस मुद्दे पर एजेंडा सेट होना चाहिए या फिर हिंदू मुसलमान? तिलक जी देखिए,
हमने 8 लाख रोजगार दिए स्वरोजगार के माध्यम से, 24,000 सरकारी, 24,000 8,42,000 पंजीकृत बेरोजगार हैं। क्या इस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए या फिर हिंदू मुसलमान पर? सर हम विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में जा रहे हैं। सैकड़ों गांव खाली हो गए, इसे रोकने को लेकर चुनाव होना चाहिए या फिर हिंदू मुसलमान पर? तिलक जी देखिए, जो धरातल के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। फिर यूनिवर्सिटी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी और फिर हिंदू मुसलमान को लेकर? तिलक जी मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, अभी इंटरनेट सेंटर्स जो बहुत बड़े 4 इंटरनेट सेंटर्स हैं वो उत्तराखंड में बनने जा रहे हैं, उनकी घोषणा भी हो चुकी है। सर आप बोलने नहीं देते सर। सर मैं सर हमारे सर सर हमें बोलने का थोड़ा अधिकार दीजिए, आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना है। सर सर हमारे हमारे बोलने का अधिकार दीजिए, थोड़ा सा हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है। सर मैंने कहा 4 इंटरनेट सेंटर्स पूरे उत्तराखंड में बनने जा रहे हैं, जिससे हमारा आईटी सेक्टर बहुत सुदृढ़ होगा, बहुत मजबूत होगा, जिससे यहाँ पर हजारों नहीं बल्कि लाखों रोजगार यहाँ पर जनरेट होंगे। और जो हमारा युवा जो पढ़ा लिखा युवा जो आईटी सेक्टर में काम करने वाला युवा वो बॉम्बे बेंगलोर और हैदराबाद जाता है, जब वो सेंटर्स यहाँ पर डेवलप होंगे तो उसको जो ये हमारा पलायन का एक मुद्दा है वो पलायन का मुद्दा अपने आप ही रिजॉल्व होगा और युवा को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और जिससे रोजगार भी बढ़ेगा, उत्तराखंड सशक्त होगा, समृद्ध होगा, आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। सर ये नारों से ही तो हम जी रहे हैं, जैसे अब अमृतकाल वाला नारा आया, अमृतकाल चल रहा है ना सर, अमृतकाल। हम नारे नहीं देते, हम धरातल पे साकार रूप से काम करते हैं, धरातल पे उतारे हैं हमने। करना चाहती है हमने हमारा जो पिछला घोषणा पत्र था, हमारा जो पिछला संकल्प पत्र था उसमें हमने 80-90% वायदों को हमने पूरा किया है। तुष्टीकरण की रणनीति ये सर आप लोग तय करिए, एजेंडा आप लोगों को तय करना है, ये आप लोगों की सोच आप लोगों का नजरिया सर, और जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव, आपका भी, समीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या वाकई मुद्दों से भटक रहा है उत्तराखंड का चुनाव, और देवभूमि में आखिरकार कौन कर रहा है तुष्टिकरण की राजनीति? अपने आप में यह सवाल है, और इस सवाल का जवाब राजनीतिक दलों के साथ साथ आपको खोजना भी बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुद्दों से भटकाने के लिए, जो अहम मुद्दे उत्तराखंड के हैं जिनके आधार पर चुनाव होना चाहिए, उन मुद्दों से भटकाने के लिए यह नया बवाल खड़ा किया गया, और इस बवाल में दोनों दलों की अहम भूमिका, और इस भूमिका को, इस हवा को तेज गति से चलाने की जिम्मेदारी मीडिया अदा कर रहा है। जरा सोच कर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।